नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए टैक्स प्लानिंग लेकर। देखिए, टैक्स आप ही को देना है, लेकिन उसको बचाना कैसे है, इस पर कठिन से कठिन सवालों के आसान भाषा में हम आपको देते हैं जवाब। आज का प्रोग्राम कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष के बाद किस तरीके की तब्दीलियां आने वाली हैं, मुख्यतः तीन चीजों में, जीएसटी को लेकर क्या तब्दीलियां होने वाली है, इसके साथ ही कंपनीज एक्ट में क्या तब्दीलियां होने वाली है, इसके साथ ही इनकम टैक्स में क्या कुछ बदलने वाला है। इन पर जवाब देने के लिए हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद है रजनीश शुक्ला। रजनीश शुक्ला जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद काविंद्र जी। रजनीश शुक्ला जी, देखिए 31 मार्च के बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, तो ऐसे में कई चीजें हैं जिस पर लोगों को ध्यान देना होगा कि क्या कुछ यहां से बदलने वाला है और क्या क्या चीजें हैं जो 31 मार्च से पहले उन कामों को निपटा लेना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहला और वाजिब सवाल आपसे यही कि जीएसटी को लेकर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्या क्या कुछ जो है जीएसटी में बदलने वाला है। सर, जीएसटी में सी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एज ए नेसेसरी आपको प्रायर टू 31 मार्च ध्यान देना है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो 31 मार्च पोस्ट 31 मार्च आपको ध्यान देना है, और बहुत सीरियसली उन चीज़ों को लेके चलना होगा। जैसे कंपोजिशन स्कीम में छोटा सा एक चेंज आपको है, रैदर आई वोंट से चेंज, जो भी एसएससीज कंपोजिशन में आते हैं वो ध्यान दें। डैशबोर्ड पे इन्होंने अवेलेबल कर दिया है आपको कॉमन पोर्टल, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे फैसिलिटी, और इसमें जो भी पंजीकृत हैं या जिनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है वो प्लीज़ इस कंप्लायंस को अपने 31 मार्च 2021 से पहले पूरा कर लें। अब अगर हम बात करें कंपोजिशन स्कीम में, तो जनरली जो 1.5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर के हैं, या जो हम ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं या उत्तराखंड की बात करते हैं, जो भी वहाँ कवर हो रहे हैं, उनकी लिमिट अगर 70 लाख से कम की है टर्नओवर की पैन बेस्ड, तो वो जो है इस कंप्लायंस को सुविधा समय से उठा लें। सर, ऐसे में एक सवाल मेरे जहन में आया, सर स्पेसिफिकली अगर पूछूं कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है। सर देखो, सीधी सीधी एलिजिबिलिटी उन्होंने लेके चले हैं जो 1.5 करोड़ के टर्नओवर से कम के आते हैं। अब टर्नओवर में पैन बेस्ड टर्नओवर की बात करते हैं, सपोज इफ यू हैव मोर देन वन ब्रांचेस, तो उन ब्रांचेस के भी टर्नओवर को आप ऐड कर लेते हो, क्योंकि पैन से लिंक जो भी टर्नओवर है वो उसकी डेफिनेशन में ऐड हो जाता है, तो 1.5 करोड़ की वो लिमिट हो जाती है। अगर ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनमें आपके मेघालय, मिजोरम, सिक्किम कवर हो जाते हैं, उत्तराखंड भी एक है जिसमें कवर हो जाता है, तो उनके केस में उन्होंने 75 लाख की लिमिट दी हुई है। और इसके बाद कुछ सर्विसेज के कंपोनेंट में जहाँ इन्होंने 50 लाख की लिमिट दी हुई है, तो अगर उसे लिमिट के विदिन में आप कवर होते हो तो यस, आप इस कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठाओ। कुछ एक्सक्लूजन्स भी इन्होंने इसमें से दे दिए हैं, जिसमें से जो फॉर एनी गुड रीज़न दे आर नॉट लायबल अंडर जीएसटी, या जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं ये उसमें से बाहर हो जाते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो इसमें से बाहर हो जाते हैं, और कुछ लाइसेंस गुड्स की डेफिनेशन में जो कवर होते हैं दोज वर डीलिंग इन सच गुड्स, उनको भी इस कंपोजिशन स्कीम की एम्बिट से इन्होंने बाहर किया हुआ है। तो प्लीज़ इसका समय से फ़ायदा उठाएं और इसमें अपने रजिस्ट्रेशन को फुलफिल करें टाइम से, प्लीज़। जी बिल्कुल। सर देखिए, जीएसटी को लेकर क्या है कि काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज से नज़र आते हैं, लेकिन इतनी बेहतरी के साथ आपने उनको समझाया। अब सर एक और सवाल है जो दर्शक बार बार पूछते हैं, ये भी है कि इनकम टैक्स में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलने वाले हैं हमको। इनकम टैक्स में बदलाव तो यस, अगर आप पीछे बजट देखो तो हमने काफ़ी सारे बदलाव का जिक्र भी किया था। अभी आपका जैसा कि सवाल शुरू हुआ था कि 31 मार्च तक की प्री पोजीशन में क्या क्या कवर करते हैं, तो इसमें इनकम टैक्स में आपके टीडीएस टीसीएस के रिटर्न्स वगैरह हैं, जिनको आप टाइम से कोशिश करें 31 मार्च तक इसको क्लोज कर लें। इंडिविजुअल की बात करें तो अगर उनकी इन्वेस्टमेंट कोई पेंडेंसी रह गई है कोई भी, तो ATC के बेनिफिट का लाभ उठाने के लिए उस इन्वेस्टमेंट को ज़रूर टाइम से कर लें। एक और है 1920 की, जिनकी भी रिटर्न्स रह गई हैं फॉर एनी रीज़न 31 मार्च तक उसको भी क्लोज कर लें वो। ये तो रहा इनकम टैक्स के पॉइंट से। हाँ, जीएसटी में एक दो और मैं पॉइंट आपको ऐड कर दूँ। बिसाइड्स कंपोजिशन, अगर कोई एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस है तो एक्सपोर्टर के केस में गुड्स ऑफ सर्विस के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए अगर उन्हें अप्लाई करना है तो उसको 31 मार्च 2021 से पहले पहले कर लें। रिकन्सिलेशन वगैरह जीएसटी के हैं, वो भी कोशिश करें कि GSTR 1, 2A, 2B के जो रिकन्सिलेशन हैं, 3B के रिकन्सिलेशन हैं, वो प्रॉपर टाइमली मार्च क्लोज होते होते कर लें। GSTR रिटर्न, एनुअल रिटर्न भी 1920 की जो एक्सटेंडेड डेट है हमारी, वो भी 31 मार्च 2021 तक की है। जिनके भी टर्नओवर आपके 5 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं वो भी 9 और 9C के कंप्लायंस को फुलफिल कर लें बाय 31 मार्च। तो ये तो छोटी छोटी पोजीशंस है जो आपको
एज ए नेसेसरी 31 मार्च तक इनके कंप्लायंस आपको कर लेने चाहिए। प्लीज कावेंद्र, देखिए 3-4 दिनों में कितना इंपॉर्टेंट है सर कि 3-4 दिनों के बाद फाइनेंशियल लहजे से अगर देखते हैं, इस तरफ से देखते हैं, तो एक नया साल आने वाला है, नए साल की तरह इसको देखा जाएगा। ऐसे में सर आपने बताया कि 31 मार्च से पहले पहले क्या कुछ चीजें हैं जो कर लेनी चाहिए, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में 1 अप्रैल के बाद क्या नई शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है सर? देखिए सर, 1 अप्रैल के बाद जैसा हमारे पीछे सीरीज ऑफ डिस्कशंस भी रहे कि बजट में बहुत सारी चीज़ें चेंज आई हैं, अभी पीछे बजट को अप्रूवल भी मिल गया लोकसभा में, वी आर वेटिंग कि प्रेसिडेंट का असेंट कब तक आए, वो भी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, GST डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विद इट्स कंपनीज एक्ट वो भी काफ़ी फंक्शन में आ गए हैं। आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। छोटा छोटा अगर ब्रीफ करें तो GST की बात करें, जो भी SSC हमारे कवर हो रहे हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ऊपर का है, उनको अब ई इनवॉइसिंग के लिए जाना मैंडेटरी हो रहा है। अपने कंप्लायंसेस को या अपने सॉफ्टवेयर को या अपने पर्सनल्स को वो इस हिसाब से तैयार कर लें कि इसकी मिसिंग किसी भी तरीके से कोई भी इसमें अगर हमारी होती है तो इस केस में हमारे पास पैनल कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। दूसरा इनवॉइसिंग की बात, इनवॉइसिंग इन्होंने कहा कि नए इनवॉइसिंग नंबर से शुरू करें, तो जो भी SSC पुराने नंबर्स को लेके कैरी कर रहे थे प्लीज़ अब नए नंबर्स के साथ शुरू कर दें। INR 50 करोड़ की बात करी हमने, INR 50 करोड़ के ऊपर इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो रही है, जस्ट टू रेक्टिफाई दैट। QR कोड वो भी 500 करोड़ के ऊपर मैंडेटरी कर दिया है, तो प्लीज़ इंश्योर टू हैव दोज QR कोड्स एज रिक्वायर्ड, स्टैटिक एंड डायनेमिक एज द केस में भी, तो गो विद इट्स कंप्लायंस इन अ प्रॉपर वे। HSN कोड, SSC हैज़ टू प्रॉपरली टेक केयर ऑफ HSN कोड, जो आपको 1 अप्रैल 2021 से टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे का है तो फोर डिजिट कोड या मोर देन 5 करोड़ है तो 6 डिजिट कोड का कंप्लायंस करना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो ये छोटे छोटे कुछ कंप्लायंसेस हैं जिनको इंश्योर करें कि 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स 50 करोड़ के ऊपर का इनवॉइसिंग बहुत ध्यान से इसको टेक केयर करें और इन कोड्स को प्रॉपर तरीके से टेक केयर करें, अदरवाइज वी कैन हैव दोज पैनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। प्लीज़ कावेंद्र जी, बिल्कुल, देखिए अपने व्यूअर्स के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को बड़े ही ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि अगर कुछ भी छूटा तो मुसीबत में पड़ सकते हैं आप, क्योंकि 31 मार्च से पहले पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फुलफिल करनी है और 31 मार्च के बाद मतलब 1 अप्रैल से क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को बारीकी से समझाने के लिए रजनीश जी जो हमारे साथ हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ देखने को मिलने वाली हैं। ऐसे में सर आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, सर एक स्कीम है QRMP स्कीम, तो ऐसे में इसके बारे में बड़ा सुनने को मिल रहा है सर, ये QRMP स्कीम क्या है सर? सर GST डिपार्टमेंट ने जो छोटे SSC हैं उनको सपोर्ट करने के पर्पस से, देखो इंटेंशन उनकी सपोर्ट करने की है, तो दे हैव सेड ओके इफ योर टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ रुपीस, तो उनको उन्होंने एक फैसिलिटी दी है कि आप ये QRMP स्कीम में जा सकते हो। QRMP दैट इज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, क्योंकि फाइन यू पे द टैक्सेस ऑन ए मंथली बेसिस और आप रिटर्न अपनी क्वार्टरली भरो, तो उन्होंने जो हर मंथ का कंप्लायंस था कि आपको कंप्लाई करना है और रिटर्न फाइल करनी है उसको उन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे शिफ्ट कर दिया। तो ये छोटा सा एक सपोर्ट है जो डिपार्टमेंट की तरफ से छोटे से इसको दिया गया है, जिनकी लिमिट जो है टर्नओवर की 5 करोड़ तक की है। प्लीज़ जी, बिल्कुल, देखिए सर हम लोगों ने GST को लेकर खुलकर बात कर ली, GST के हर बारीक तक आप पहुँचे, आपने कई चीज़ें जो है बड़े अच्छे से समझाई। सर ऐसे में कंपनीज एक्ट को लेकर भी लोगों के बीच में बड़ी चर्चा रहती है, कंपनीज एक्ट क्या है सर? ऐसे में कंपनीज एक्ट में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं? सर कंपनीज एक्ट तो 24 तारीख को दो नए नोटिफिकेशंस लेके उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नया ऐड कर दिया है, तो सबकी निगाह है सर इस पर क्या क्या चेंजेस होंगे? हाँ, इसमें इन्होंने Schedule 3 में भी चेंजेस के लिए बात करी है, कुछ ऑडिटर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। तो व्हेन वी से अबाउट कंपनीज एक्ट बोले तो जो भी कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और जिनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न करती है वो सारी ही कंपनियाँ आपके इसमें कवर होंगी। छोटे 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 करके उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, इन अमेंडमेंट्स में जो नोटिफिकेशन के थ्रू आया है मैं कुछ को ब्रीफ करता हूँ। जैसे उन्होंने बोला अगर कंपनी लोन देती है किसी को या थ्रू इंटरमीडियरी किसी को लोन देती है तो वो लोन उनका रिफ्लेक्शन, या लोन लेती है लोन किसी थर्ड पार्टी बेनिफिट के लिए पास ऑन हो रहा है तो उसको लेके उनकी रिक्वायरमेंट, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि
बिसाइड्स नोट्स टू अकाउंट, अगर जो भी एसएससी है जो कंपनीज एक्ट में कवर होता है उनको इसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना होगा, और इस डिस्क्लोजर के साथ साथ ऑडिटर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, दे शुड ऑल्सो कमेंट ऑन दोज लोन्स विच अदरवाइज कैन बी गिवन या कैन बी टेकन फॉर द अल्टीमेट बेनिफिशरी. तो उन चीज़ों पर इन्होंने ऑडिटर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है. ये तो एक पार्ट हुआ. इसके बाद शेड्यूल थ्री जहाँ आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके डिस्क्लोजर्स की बात करते हो, उसमें छोटे बड़े करके उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं. कुछ को मैं ब्रीफ करूँ तो जैसे अभी हम देते थे पीछे तक कि हु आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, उनकी परसेंटेज शेयर होल्डिंग क्या है, अब उन्होंने उसमें एक और ऐड कर दिया कि अब आपके कंपनी के प्रमोटर्स और प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, और होल्डिंग ही क्या है और उसके साथ उनकी होल्डिंग में क्या चेंज हुआ है और परसेंटेज चेंज किया हुआ है, उसको उन्होंने चेंज वो एडिशनल है जो उन्होंने एसएससी से डिमांड करा है, जो आने वाला नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो है आपका फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपका. पीछे बहुत चैलेंज आया था एमएसएमई सेक्टर को लेके कि एमएसएमई सेक्टर की जो ड्यूज़ हैं वो टाइमली पे नहीं हो पा रहे हैं, तो दे हैव स्टार्टेड विजिलेंस ऑन दैट, जिसमें पीछे इन्होंने कंप्लायंस भी मांगे थे कि ऐसे एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन है जिनकी पेमेंट पेंडिंग है, जिनके आपने पेमेंट नहीं करी है, और साथ में उसमें क्योंकि इंटरेस्ट भी उसमें एप्लीकेबल होता है कि द कंपनी हु हैज़ नॉट पेड ऑन अ टाइमली बेसिस टू एमएसएमई, दे शुड पे इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन द पेंडिंग अमाउंट. उसको और एलैबोरेट कर दिया इन्होंने. अब तो ये ट्रेड पेबल्स में और डिमार्केशन कर दिया इन्होंने कि हमारे ट्रेड पेबल्स जो एमएसएमई से पर्टेन करते हैं, यानी स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करी, और ट्रेड पेबल्स जो अदर ट्रेड पेबल्स हो गए. फिर एमएसएमई को भी उन्होंने फिर इसमें बात करी कि एमएसएमई में ऐसे कौन से हैं जिनकी पेंडिंग है पेमेंट पुरानी, और ऐसे कौन है जो डिस्प्यूटेड है फॉर एनी रीज़न जिसकी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो. तो उन्होंने ऐसे करके चार हिस्से उसमें कर दिए, ट्रेड पेबल्स जो डिस्प्यूटेड हैं, अदर ट्रेड पेबल्स, एमएसएमई ट्रेड पेबल्स, और वो ट्रेड पेबल्स एमएसएमई के जो डिस्प्यूटेड हैं. तो उन्होंने अलग अलग उसकी डिमार्केशन मांग दी है, और साथ में दे आर ऑल्सो आस्किंग कि जो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड जो आपको ब्याज पे करना है उस ब्याज का भी डिस्क्लोजर प्रॉपर करें. खास बात ध्यान देने वाली है कि जो भी आप अगर डिले करते हो एमएसएमई को पेमेंट करने में, और उससे रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट आपके पास से जाती है, तो वो इंटरेस्ट आपका अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिसअलाउ होता है. तो इंश्योर टू हैव टाइमली पेमेंट ऑफ दोज एमएसएमईज जो इस समय कोविड रिजीम में बहुत ही मतलब उनके लिए भी सुकून वाला होगा, और वो अपने फंड्स को वर्किंग कैपिटल को रोटेट कर पाएंगे. ये तो हुआ पेबल वाला. ऐसे इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल में भी ब्रेकअप कर दिए हैं अलग अलग, अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड. फिर पहले वो मांगते थे 6 मंथ्स, बिलो 6 मंथ्स, अबव 6 मंथ्स वाला उसको भी लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर, 1 ईयर एंड 2 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर, 3 एंड अबव, ऐसे करके दे हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर दिस ब्रेकअप. एप्लीकेबल 1/4/2021 से हो रहा है, लेकिन आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप शुरू से इसकी प्लानिंग करें, बिकॉज जब भी आप नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट दोगे तो येस यू हैव टू गिव कंपेरेटिव ऑल्सो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. तो वो आपको वर्किंग है जिस पे आपको पहले ही दिन से प्लान करना पड़ेगा. बोरोइंग में इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है. बोरोइंग में जो हम करंट लाइबिलिटी में जो हिस्सा दिखाते थे, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट होता था लेस देन 12 मंथ्स वाली पीरियड का, उसके डिस्क्लोजर को लेकर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है. वो एक छोटा सा चेंज इसमें आया है. इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती थी उसका प्रॉपर इन्होंने डिस्क्लोजर मांगा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या कोई और है तो उसकी ओनरशिप क्या है, डिस्प्यूटेड तो नहीं है, ऐसे कर करके इन्होंने बहुत सारे क्लॉजेस उसमें भी ऐड करे हैं जो देखने वाले होते हैं. अच्छा, कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ में एज यू सी सेक्शन 185 की हम पीछे चर्चा हुई थी, शायद आपके साथ भी हुई थी, तो उसमें होता है कंपनी लोन दे रही है ले रही है उस पर लेके हम वहाँ पे चर्चा करते हैं. इन्होंने क्लियर डिमार्केशन मांगा है कि अगर कंपनी लोन एडवांस दिया है तो दिया है, अगर प्रमोटर को दिया है तो सेपरेट डिस्क्लोज करो, की मैनेजर पर्सन को दिया है तो सेपरेट डिस्क्लोज करो, डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी को दिया है तो वो भी सेपरेटली डिस्क्लोज करो. अगर आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कैपिटल WIP होता है तो उस पर भी एक डिटेल्ड इन्होंने उस पर सारे आपके यू हैव टू प्रोवाइड डिटेल्ड यू कैन से ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंसेस एंड अदर थिंग्स, उसमें भी आपका मांगा है. उसमें भी दो हिस्से करके मांग लिए, कैपिटल WIP में जो प्रोजेक्ट में है, और दूसरा कैपिटल WIP जो फॉर एनी रीज़न ब्लॉक्ड है या फिगर आपके कहीं ना कहीं डिले की वजह से रुका हुआ है प्रोजेक्ट, तो उसका कैपिटल WIP का डिस्क्लोजर इन्होंने अलग से मांगा है. ये तो हो गए छोटे बड़े कुछ चीज़ें. इसके बाद इन्होंने
कुछ और ऐड किया है कि इफ़ आपने लोन लिया है और रैदर लोन नहीं बोलेंगे हम, इसमें कहें कि हमने किसी ऐसी कंपनी से फंड्स लिए हैं जो कंपनी इस समय किसी रीज़न से स्ट्रक ऑफ हो गई है, तो स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ भी अगर कोई आपकी मूवमेंट फंड की हुई है, कोई डिस्क्लोजर है तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर इन्होंने मांगा है। अच्छा, हमने अभी इन डिटेल्स में बात करी, इसमें रेशियोज़ भी, यस रेशियोज़ में सरकार ने डिमांड करी है कि कंपनीज एक्ट के थ्रू कि जो अदर देन लिस्टेड कंपनीज में भी हैं उन्होंने भी रेशियोज़ की रिक्वायरमेंट डाली है, जो जब आप अपनी बैलेंस शीट को फाइनल करेंगे तो यू हैव टू डिस्क्लोज सच रेशियोज़, जिसमें 11 रेशियोज़ की उन्होंने लिस्ट दी हुई है, तो उसका भी कंप्लायंस प्रॉपर ज़रूरी हो जाता है। कुछ और छोटे बड़े चेंजेस इन्होंने किए हैं, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट को रीक्लासीफाई किया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करिए तो अगर आपका एक्सपेंडिचर 10% से अबव का होता है तो उसको सेपरेट लाइन आइटम की तरह डिस्क्लोज करने की बात करी है। अगर आप किसी बैंक के विलफुल डिफॉल्टर हो फॉर एनी रीज़न, तो विलफुल डिफॉल्टर की रिक्वायरमेंट इन्होंने डाली है कि यू हैव टू डिस्क्लोज द सेम सेपरेटली विथ योर फाइनेंशियल्स जो आप ईयर एंड में अपना क्लोज करोगे। तो ऐसे छोटे बड़े काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए नोटिफिकेशन के थ्रू इस साल में। प्लीज़ काविंद्र जी। जी बिल्कुल, देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये आर्थिक लिहाज के लिहाज से कि नए साल के बाद क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कॉमन मैन की लाइफ में। तो इसके साथ ही सर, जैसे कि आपने अभी GST को लेकर हमको बहुत ब्रीफ किया कि GST में क्या क्या कुछ चेंजेस हैं जो आ सकते हैं 31 मार्च के बाद, हमको क्या क्या काम है जो कर लेने हैं, ऐसे ही आपने कंपनीज एक्ट को लेकर भी हमको बताया। सर एक और है इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स में 31 मार्च और 1 अप्रैल के बाद हम लोग क्या बदलाव देखने वाले हैं? देखो सर, रिक्वायरमेंट अभी हमने इतना लंबा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नोटिफिकेशन की बात करी, सी ऑल दीज एक्ट्स आर समवेयर कनेक्टेड। अब आप जो भी डिस्क्लोजर एक जगह करते हो वो डिस्क्लोजर कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट के पास भी पहुंच रहा है। अब ये डिस्क्लोजर्स और डिस्क्लोजर्स थ्रू आने वाले नंबर्स, ये इस साल में बहुत सारी चीज़ें फ़र्क देखने को हम लोगों को मिलेंगे, जैसा आप देखने को मिलना भी शुरू हो गया है। अब इनकम टैक्स में अगर आप देखोगे तो दे हैव स्टार्टेड पुटिंग दोज फैक्ट्स जिनकी वो समय समय पे आपसे रिप्लाई मांगते रहते हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को उन्होंने पकड़ना शुरू किया है वहाँ पे। अदर कुछ और कनेक्टेड आपके अगर पार्टीज़ हैं उनके साथ भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दोज ऑल्सो। SFT पीछे था, SFT पे दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साल में बहुत अच्छी देखने को मिल सकती हैं आपको डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स में अच्छा हमने बजट में काफ़ी चीज़ें कवर करी थी, छोटी छोटी कुछ और चेंजेस जो डिस्कस हो सकते हैं जो अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले, जैसे PF में इन्होंने एक चेंज डाला है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या एम्प्लॉई है जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कर रहे हैं जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो उन्होंने एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज करके 5 लाख तक कर दी है। इक्वलाइजेशन लेवी एक बहुत बड़ा मैटर था जो पिछले सालों से चल रहा था, अभी जिस पे अभी 2% रेट चार्ज करते हैं उसको लेके भी इवन सेंसिटिविटी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या कह लो फॉरेन बिजनेसमैन्स हैं जो इंडिया में बिजनेस करते हैं उनके लिए एक पॉइंट बना हुआ है इस समय के इक्वलाइजेशन लेवी 2%, क्योंकि देहवास की जो भी कंपनी है गुड्स या सर्विस किसी में भी डील करती है और इंडिया के बाहर से है, वन तो डोंट हैव एनी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, तो उस केस में उनके ऊपर 2% की लेवी होगी। तो ये वाली चीज़ है। MCA में अगर देखो तो कुछ चीज़ें जो कल को इनकम टैक्स में आपको जिसका इफेक्ट देखने को मिलेगा वो चेंजेस, जैसे क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने उठाया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन का सेपरेट डिस्क्लोजर उन्होंने मांगा है, तो डिस्क्लोजर MCA मांगता है, फ़ायदा उसका कल को इनकम टैक्स नहीं उठाने वाला है। CSR डिस्क्लोजर है, दे हैव आस्क्ड कि वो सेपरेटली आपको उसको रिप्रेजेंट करो या प्रेजेंट करो अपनी बैलेंस शीट में फाइनेंशियल्स में। अनडिस्क्लोज्ड इनकम को लेके है कि उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करो अगर ऐसी कोई इनकम मिस हुई है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े चेंजेस अलग अलग जो GST भी एक्सपेक्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सा सोर्स डेटा GST और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू मिलेगा, जिसको टाइम पे हमें ध्यान भी रखने की ज़रूरत है, और हमारे पास अगर कोई भी ट्रांजैक्शन उनकी रेंज के बियॉन्ड जाता है तो क्वेरी भी रेज होंगी जिसका हमें टाइमली जवाब भी देना पड़ेगा। प्लीज़ काविंद्र जी। जी बिल्कुल सर, देखिए GST, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स, इन तीनों ही चीज़ों में क्या क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं ये आपने हमें ब्रीफली बताया।
सर एक चेंज है जो कि नहीं हुआ है, हर साल फाइनेंशियल ईयर होता है, इस बार भी रहा, लेकिन इस बार कोरोना जो महामारी थी जिससे पूरा विश्व जिसकी चपेट में रहा, सर ऐसे में कोरोना को लेकर आप क्या समझते हैं, कोरोना के चलते इस बार फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या सेटबैक रहे हमारी कंट्री के लिए? सर बहुत बहुत लार्ज क्वेश्चन कर दिया। यस, दिक्कत रही है, जीडीपी आपको नेगेटिव देखने को मिली है। अब आज और आगे की बात करें तो हमारे ऑलमोस्ट जो बिजनेसेस हैं रिकवर हो गए हैं और या फिर वो रिकवरी के फेस में हैं, सब्जेक्ट टू फ्यू ऐसे कुछ है जैसे आप कह सकते हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को या स्कूल की बात करूँ तो उन इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में अभी भी दिक्कत देखने को मिल रही है। बट यस, मैक्सिमम आप देखो या हम अपनी ग्रुप में या सर्कल में देखते हैं तो दे हैव स्टार्टेड देयर मोमेंटम इन अ गुड वे और होप कि अगर ये चीज़ें सही तरीके से सही डायरेक्शन में मूव हों, कोरोना की वजह से फिर से कोई लॉकडाउन ऐसी सिचुएशन ना बने तो वी विल बी एबल टू टर्न अराउंड दीज थिंग्स इन अ प्रॉपर एंड पॉजिटिव वे। जैसे कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया सर, ठीक है, ऐसे में कोरोना की वजह से जो इम्पैक्ट रहा, नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, वो हर किसी को जानकारी में है। सर आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसमें आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? सर मैंने जैसा बोला अभी आपको कि अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो फिर सामान्य वो तो फिर सामान्य रहेगा और अदर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे होंगे, क्योंकि अगर हम पिछले साल को देखें, अगर हम अपने ही ग्रुप में देखें तो हमारे कई ऐसे बिजनेसमैन हैं, दे हैव इंक्रीज देयर थिंग्स, उन्होंने चीज़ों को बड़ा ही किया है, बनाया है, क्योंकि एक तो वर्किंग बहुत हार्ड हुई है। अगर बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हम लोग के लिए बहुत हार्ड वर्किंग का ये साल रहा, बिकॉज पहला क्वार्टर तो प्रेशर में निकल गया, वी डिडंट हैड एनी मनी, कोई भी रिसीट नहीं आ रही थी, देन वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर मोर एक्स्ट्रा आवर्स टू मेंटेन थिंग्स, क्योंकि प्रेशर भी अलग था, हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिटेन करना था, हमें अपनी टीम को भी रिटेन करना था, साथ का साथ अपने एम्प्लॉयज से ये डर भी दूर करना था कि नहीं ठीक है, वी आर देयर फॉर यू, कोई भी ऐसे पैनिक की जरूरत नहीं, विल मेक आउट दोज थिंग्स। तो यस, सिनेरियो अच्छा रहा, ठीक रहा। सबसे खास चीज़ है कि हम लोग इस साल को सस्टेन कर गए और इस साल ग्रोथ ही है हम लोगों के पास इस साल, लेट्स होप थिंग गोस वेल। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे में अब अपने दर्शकों से एक बात बताऊं कि आज का प्रोग्राम हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको समझिए कि 31 मार्च से पहले पहले क्या कुछ चीज़ें थी जो अगर आप नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं, और 1 अप्रैल के बाद क्या क्या वो चीज़ें हैं अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए आसानी हो सकती है। तो आज का प्रोग्राम इसी लिहाज से खास रहा। तो अगली बार एक नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।